हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम करेंगे इस टाइप का फोटो एडिटिंग जो बहुत अच्छी क्वालिटी की होने वाली है। सो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखो क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ कुछ पॉइंट बताया हुआ है बीच बीच में। सो गाइस, अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। ज़्यादा ना बोलते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले गाइस, तो हम अपना गैलरी को खोल लेंगे और ये रहा हमारा मॉडल। आज करेंगे इसका फोटो एडिटिंग। देख लो इसका फेस स्ट्रक्चर कैसा और इसे मैंने कैसा बनाया। एंड गाइस, इसका कटआउट भी मैंने कर लिया। जिनको कटआउट करने नहीं आता वो हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उनका। एंड गाइस, जिसको हम करेंगे ये हमारा रहा बैकग्राउंड, इसको करेंगे हम शेयर पिक्सेल में। सो गाइस, इसको सबसे पहले हम ड्रॉ टूल में हिट करेंगे, इसमें अपना मॉडल को चिपकाएंगे, मतलब ऐड करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। एंड गाइस, इसका बाल भी हम ऐड कर सकते हैं। इसका बाल का भी पीएनजी हम बना चुके हैं, आपको जरूरत होगी तो आप लोगों को भी मिल जाएगी, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आराम से आप यूज़ कर सकते हो उसको। ये रहा इसका पीएनजी, अच्छे से ऐड कर लेना। ये हो गया ऐड, इसको कर लो हल्का सही रेंज। इन गाइस, इसमें और पीएनजी को ऐड करेंगे। आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो ऐड इसमें, मतलब मेरा स्पेशली इसमें है ये किंग वाला, इसको ऐड करेंगे। हाँ सही है। एंड इसका ब्लेंडिंग मोड रखेंगे हम लाइट, लाइट इज ओके। इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करना है, वो हम ट्रांसफर करेंगे। ज़्यादा ओवर ना लगे इसलिए हम इसको ज़्यादा अंदर करके नहीं लगाएंगे। ओके, ये हो गया डन। एंड इसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे सेव, पहला इसका हम टेक्सचर निकालेंगे। तो इफेक्ट में जाके आप एंड ये देख लो, आर्टिस्ट में जाना एंड सबसे लास्ट में इम्बॉश, बॉश में जाकर इसको कर लेंगे। इसको कर लेंगे डन एंड इसको जाके हम कर लेंगे सेव। ये सेव हो गया एंड इसको कर लेंगे बैक, फिल कर लेंगे बैक। एंड इसको हम करेंगे डॉज एंड बर्न इससे। सो हम यहाँ से ले लेंगे अपना वाइट वाला कलर एंड करेंगे डन। एंड यहाँ से इसका साइज को कर लेंगे हार्डनेस को 1, ऑपेसिटी को 50। साइज को अपनी मर्जी से रखना, जितना फेस के ऊपर आपको पड़ सके। एंड इसका लाइटनेस वाला जगह पे उगाना इसको, ओके, हल्के हल्के ऑपेसिटी और हल्का कम होगा। फाइव के लगभग से रख लेना आप लोग। एंड इसको यूँ उगाएंगे, ओके, जहाँ पे आपका लाइटनेस वाला जगह होगा वहीं पे आप इसको उगाइएगा, अच्छा लगेगा। कैपेसिटी को कर लेंगे हल्का सा कम एंड इसको कर लेंगे डन।
सबसे पहला स्टेप, फिर जाएंगे हम ब्यूटीफायर में एंड इसको स्मूथ करेंगे। या क्या स्मूथनेस इसको कर लेंगे बैक, जब बैक हो गया फिर आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा आप अपने फेस के हिसाब से यूज़ कर लेंगे उसको। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो को फास्ट करते हैं, ये हो गया एंड इसको करेंगे डन। फिर जाएंगे हम इफेक्ट में एंड ब्लरिंग में एंड इसके ब्लर करेंगे। अब इसका ब्लरिंग मोड मेरे हिसाब से 3 पे रखना, सारा फेस का यही होता है। इसको कर लेंगे इन्वर्ट एंड इसके जहाँ जहाँ दाना होगा ना इसका, जैसे काले धब्बे जैसे ये रहा, इसको क्लोज करेंगे। ओके, अच्छे तरीके से आप मिला लेना। जाएंगे हम ग्रो टूल में एंड इसमें हम ऐड करेंगे वो वाला इम्बॉस जो बनाए थे। यहाँ से फोटो लेयर ले लेंगे एंड जो इम्बॉस बनाए थे ये रहा, इसको कर लेंगे ऐड। ये आ गया एंड इसका ब्लेंडिंग मोड रख लेंगे हम नॉर्मल ऑल ओवर। एंड ये देखिए आपका जो पहले था फेस पे फेसअप उस टाइप का, इसको हम हल्के हल्के अपने हाथों से इरेज कर लेंगे। ये रहा यहाँ पर, ये रहा यहाँ पे, गाइस अब इसको कर लेंगे हम यहाँ से एंड इस फोटो को हम करेंगे लाइट रूम में ओपन। फिर नेक्स्ट में गाइस हम अपना लाइट रूम बाबू को ओपन करेंगे, हो जाया हो गया। फिर इसमें अपना फ़ोटो एंड DNG फाइल्स को ओपन अपना ऐड करेंगे, ये ऐड हो गया। फिर ये देखिए हमारा फ़ोटो इसमें ऐड हो चुका है एंड DNG फाइल को ओपन करेंगे, इस 3 डॉट पे से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद डायरेक्ट अपने पिक पे इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखो कितनी अच्छी और कितनी ऑसम हमारी फ़ोटो लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। अगर आप सीधा देखो एक क्लिक पे कितनी अच्छी और ऑसम वाली दे रही है फीलिंग। और हाँ, आपके लिए एक और ट्रिक है जो कि आप लोग का फ़ोटो फटने लगता है एडिटिंग के बाद लाइट रूम में खास करके, तो आप यहाँ से आप जाके ग्रैंड अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं। आपका फोटो का नेचुरली लुक आएगा, मतलब कि क्या बोले, बहुत अच्छा वाला लुक आएगा। तो आप इसको यूज़ करके अपना फ़ोटो का मतलब अच्छा बना सकते हो। तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट करो, अच्छा लगा हुआ होगा वीडियो तो। एंड यह सपोर्ट देते रहो, धीरे धीरे बनाता हूँ वीडियो, थोड़ा लेट हो जाता है हमको पता है। तो गाइस हम मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।